कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ाइदा मंजूर। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स आम होते जा रहे हैं और उसी के चलते जो है हर साल एक वीक में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और आज भी जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने आज ऑटो रिक्शाज के लिए रखा हुआ है। सीधे इनके पास चलते और इनसे जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट से है और किस तरीके से ये लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाते हैं। आप अपना नाम बताएं और बताएं किस ऑर्गेनाइजेशन से। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन हेड ऑफिस TRC से हूँ, जो कि हमारा बोर्ड लिखा है यहाँ पर 9908 जो है रजिस्टर्ड हमारे यहाँ लाइसेंस है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि पूरा वीक ये होता है कि ये वीक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तरह से ये मैंने पहले भी कहा था कि एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी होता है और ये डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है, RTO डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है। रोड सेफ्टी जो होती है वो ड्राइवरों को पता चलना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम इसी को कहते हैं कि सब ड्राइवरों को पता चले कि हमें किस तरह रोड पर चलना है। आए दिन रोज़ हम एक्सीडेंट होते रहते हैं, मतलब रोड की हालत भी वैसी नहीं है। मैंने गुजारिश की थी अपने ड्राइवरों के भाइयों को, बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट, खासतौर के फिटनेस का इशू सबसे बड़ा रहता है। जिस ड्राइवर के पास फिटनेस वैलिड होगी वो ड्राइवर मुकम्मल ड्राइवर होता है, या लाइसेंस होती है वो ड्राइवर मुकम्मल होता है। इसलिए परसों भी हमने RTO साहब से बात की थी। अब हर साल ये मनाते हैं रोड सेफ्टी वीक, जो हम हर साल, पिछली बार सोमो वालों ने मनाया था, बस वालों ने मनाया था, आज हमारा दिन था। तो RTO साहब ने हमसे बोला था कि आज आप अपना प्रोग्राम कीजिए संडे के दिन मॉर्निंग में ही 9 बजे सवेरे, तो हमने ये प्रोग्राम जो है कम्प्लीट करके रख दिया। ये आप सिर्फ ऑटो रिक्शाज के लिए करते हैं या आप ही लोग जो है सोमोज होती है या बाकी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी करते हैं? देखिए, हर एक कंपनी जो होती है अलग अलग एसोसिएशन है, सोमोज की अलग एसोसिएशन है, बिग बसेस की अलग एसोसिएशन है। हमारी एसोसिएशन जो है ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन जो है, हेड ऑफिस है हमारा TRC में। तो आज हमारा दिन था, हमने ये रैली जो कि ऑटोज़ की रैली थी ये हमने कामयाब कर दी। RTO साहब खुद आए थे, RTO साहब आए थे, बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन सारा आया था यहाँ पर, पुलिस भी यहाँ पर थी। तो इंशाल्लाह पूरा अच्छी तरीके से ये जो मामला था सब कुछ ठीक तरह से हो गया। आपने अभी बोला कि साल में ये एक हफ्ता मनाया जाता है जिसमें सोमोज अलग आती है, रिक्शाज अलग आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे साल चलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स हो जाती है जो कि अनअवेयर होता है बाकी चीज़ों से, सिर्फ ये एक दिन होता है जिसमें हमें अवेयर करना होता है लोगों को? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, RTO डिपार्टमेंट कैसा चाहेगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या, क्योंकि हम तो डिपेंड है, हम तो ट्रांसपोर्टर हैं, हम जो डिपेंड हैं हम डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। डिपार्टमेंट जैसा बोलेगा हम उसी रास्ते से चलना है। पिछली बार भी SSP ट्रैफिक से हमने बात की, उन्होंने हमें कई गाइडलाइन ऐसी दी थी कि आप किस तरह चलो, रोड ब्लॉक मत करो, जिन जगहों पर आप चलते हो स्पेस बना के रखो, वो जो लाइन आप बना के रखते हो वो मत उसमें आप पीछे पीछे रखिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी रहता है। तो इसी वजह से हमें डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से आज RTO डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारा दिन था, ट्रैफिक ऑटोज़ का दिन था, तो हमने वो कंप्लीट करके जाते हैं। बिल्कुल, आखिर में ये जाना चाहेंगे आप ऑटो रिक्शाज एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरी मैसेज है सारे ट्रांसपोर्टरों के साथ जो ऑटो एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, तकरीबन 12 से 15 हज़ार हमारे ऑटो है जो श्रीनगर सिटी में रन करते हैं। मेरी गुजारिश तमाम ड्राइवर हजरात से है कि आप रश ड्राइवरी ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करके रखें। खासतौर पर पिछली बार देखिए, हमारे पास 2098 से हमारे पास लाइसेंस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम थ्री व्हीलर को सिस्टम में नहीं लाया। फिर हमने जम्मू गए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मिले, उनसे मीटिंग की, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उनसे मीटिंग की। बाज़ाबता तौर पर हमारी एक जो कंपनी होती है, जो हमारे एसोसिएशन है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, जिसके चेयरमैन है सरदार अजीत सिंह जो जम्मू से, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब शेख मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि कश्मीर वैली से। देखिए, जब हमारा कोई कॉमन काज होता है उसके लिए हम सारे ट्रांसपोर्ट मिल बैठ के एक ही प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शाज हो या सोमोज हो या कोई भी ऐसा फोर व्हीलर हो, उनको अवेयर करते हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन्हें अवेयर करते हैं वो इन सारी चीज़ों पे चलेंगे। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर, दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।